ऑनलाइन बीफ जेड़े कर दे उंज मेरा बाल भी नहीं पट दे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ते प्यार भरी सत श्री अकाल सारे नु, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जिवें कि तुसी जानदे, मैं तुहाडा अपना बलराज सिंह सिद्धू भाई तो हमेशा ही लव रहेंगे साथ, दिलजीत बाजी को ज्यादा फॉलो कर। आप हमारा अकाउंट देख लें टिकटॉक का, आप देख सकते हैं उसमें एक्टिंग भी है, वीडियोस भी हैं, सॉन्ग पे भी हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, शायरी भी थोड़ी बहुत करते हैं। रब भी सोना, जग भी सोना, सोना चन्न बथेरा, सारे सोने एक पासे, मेरे माँ प्यो तो सोना केड़ा। हमें आज तक ये नहीं महसूस हुआ कि यार हमसे अलग है। हमारे पास टोटली इंडियन वैरायटी होती है साड़ी और लहंगे की। ये अभी भी कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं, आपको देख के अंदर नहीं आ रहे, देखें नहीं इनको देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे डेली उमता डिजिटल और मैं हूँ आपका मेजबान शिराज हुसैन। नाज़रीन, आज हम बैठे हैं बलराज सिंह के पास, हमारी वीर जी, इससे आगे मुझे कुछ नहीं आता, और टिकटॉक स्टार भी है यहाँ पे। और ये पाकिस्तान पार्टीशन टाइम पाकिस्तान आए थे यहाँ पे, इन्होंने साड़ियों का कारोबार भी शुरू कर दिया। और इस पूरे मार्केट में जो राजा बाजार के साइड पे कालज रोड है उसके ऊपर इनकी दुकान है, और यहाँ पे ये 30% ऑफ दे रहे जो कि कोई भी इधर नहीं दे रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, सिद्धू पाजी को फॉलो करते हैं या किसको फॉलो? जी जी, सिद्धू पाजी तो लव थे, वो चले गए, वो नहीं है इस दुनिया में, तो अब साथ सिद्धू भाई तो हमेशा ही लव रहेंगे साथ, दिलजीत पाजी को ज्यादा फॉलो करते हैं। अच्छा, और एक जो बैठते हैं उनके शो में, कपिल शर्मा शो में, उनका नाम क्या है? ओ, कपिल, उनका भी नाम कपिल सिंह है। कपिल शर्मा के शो में कपिल पाजी नाम है कपिल। अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें? अच्छा, नवजोत सिंह सिद्धू, हाँ जी। अच्छा, उनकी शायरी बड़ी जबरदस्त है। बस देख ले, हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो छुपा हुआ है। चलो, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है वो बताएं। आप हमारा अकाउंट देख लें टिकटॉक का, आप देख सकते हैं उसमें एक्टिंग भी है, वीडियोस भी हैं, सॉन्ग पे भी हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं, शायरी भी थोड़ी बहुत करते हैं, 3-4 ही शेर हैं और बहुत ज़्यादा वायरल गए हैं, आप देख सकते हैं। चलो फिर इधर भी सुना दे, उधर भी हम दे। एक तो मैंने माँ बाप के लिए शेर बनाया था कि रब भी सोना, जग भी सोना, सोना चन्न बथेरा, सारे सोने एक पासे, मेरे माँ प्यो तो सोना केड़ा। अच्छा, इसका मतलब भी समझा? इसका मतलब कि रब भी सोना, रब भी प्यारा खूबसूरत, जग भी सोना, जग पंजाबी में बोलते हैं दुनिया को, रब भी सोना, जग भी सोना, सोना चन्न बथेरा, चांद भी बहुत खूबसूरत, चांद जो है वो भी बहुत खूबसूरत, लेकिन सब की खूबसूरती को एक साइड पे रखें और जो मेरे बाप आपकी खूबसूरती है उन तक कोई नहीं पहुंच सकता। अच्छा, और क्या कुछ करते हैं आप ये बताइएगा, अपने बारे में बताइएगा, टिकटॉक का आगाज किस तरह किया? एक्टिंग हर इंसान को नहीं आती, आपको किस तरह ये टैलेंट? सर, ये ऐसे था कि गली मोहल्ले में हम खेलते खुलते थे फुटबॉल वगैरह दोस्तों के साथ, तो पहले टिकटॉक का नाम म्यूजिकल था उस टाइम, ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा था, तो उसके बाद फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, दोस्तों के फ़ोन में वीडियोस वगैरह बनाते थे, एक वीडियो बहुत वायरल होगी, स्विमिंग पूल में बैक फ्लिप की थी मैंने, तो उसके बाद फिर फनी वीडियोस हमने बनाई, मतलब ऐसे बनाते 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 आइडिया भी होता गया, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आता गया, फिर एडिटिंग की तरफ आए, थोड़ा बहुत एडिट वीडियोस बनाई, फिर ऐसे ही करते करते बस अब अल्लाह का शुक्र है, देख सकते हैं आप। अच्छा, मतलब आप स्टार बन गए तो लोग आते हैं यहाँ पे, आप सबकी दुआओं से बन गए। सही है, चलो कोई गाना वगैरह सुना दे जो टिकटॉक पे सबसे वायरल गया। टिकटॉक पे तो सिद्धू की सारे गाने वायरल गए हैं फिलहाल, अभी मैं कौन से सुनाऊँ? ये एक ये बात होती है ना, जिस टाइम करने का टाइम होता है उस टाइम याद नहीं होता, वैसे जहन में बहुत चल रहे होते हैं। ऑनलाइन बीफ जेड़े कर दे उंज मेरा बाल भी नहीं पट दे, इंटरव्यू आ चेक करनी ओ विचो विच फैन साले जट दे। सही है, और सुनाए माँ बाप आपके क्या करते हैं, स्टडी कितनी की आपने, अभी क्या करते हैं? जी, मैंने सेकंड ईयर कंप्लीट की हुई है, 7 IELTS किया हुआ है, और बाबा मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर है, हकीम है, इस्लामाबाद में अब अपारा मार्केट में, और साथ में अब बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस करते हैं फिलहाल, तो फ्री होते हैं फ्राइडे को हैं। तो कमा कितना रही है? ये तो वो तो आपको पता नहीं है, लेडीज से उनकी एज और लड़कों से उनसे उनकी कम नहीं पूछी जाती है। सही है, तो आपके पास कौन कौन सी ऐसी वैरायटी, नाज़रीन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, इनके पास ऐसी वैरायटीज है जो कि यहाँ पे किसी और के पास नहीं है, तो ये मंगवाते हैं आपका से और क्या? इंडिया, हम इंडिया से मंगवाते हैं, हमारे पास सिर्फ साड़ी और लहंगा होता है, शूटिंग नहीं होता, क्योंकि शूटिंग पूरी मार्केट में पड़े, हर कस्टमर को हर जगह से मिल सकता है, हमारे पास टोटली इंडियन वैरायटी होती है साड़ी और लहंगे की। अच्छा, तो लोग कस्टमर्स कहाँ कहाँ से आते हैं? ये अभी भी कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं, आपको देख के अंदर नहीं आ रहे, देखें सर नहीं इनको माने देंगे। अच्छा, चलो कुछ और सुना दे, शायरी आशिकी में तो नहीं गई तुम? नहीं, शादी किधर से करेंगे, पाकिस्तान से? वो तो जहाँ नसीब में होगा, नहीं आप दिल तो कहीं और होगा फिर। फिलहाल तो मामा पापा पे छोड़ा हुआ है कि यार जहाँ से उनकी मर्जी होगी उनसे ही करेंगे इंशाल्लाह। चलो चलो, कोई शायरी सुनाए या कुछ गाना हो जाए दूसरा। अच्छा, एक मिनट, अभी आपने कौन सा लगाया था?
हाँ जी नहीं नहीं मैं आपको शायरी सुनाता हूँ। बड़े सोने सोने चेहरे ने इस जग ते, मतलब सास उर्दू बताते हो ना, पहले ये बता। अच्छा, बड़े सोने सोने चेहरे ने इस जग ते, पर मैनू सब तो सोना चेहरा सिर्फ तेरा ही लगता है। चलो मुझे समझ आ रही है। अच्छा और बताए अभी प्लानिंग्स क्या है आपकी और फ्यूचर का क्या सोचा? फ्यूचर यही है कि हर बंदा कामयाब खुद को करने की कोशिश करता है। देखिए आप बिजनेस स्टार्ट किया, अल्लाह रहम करे इस पे। फिलहाल तो आपको पता है मार्केट के हालात बिल्कुल ही डाउन जा रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा। चलो अल्लाह खैर करेगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा पाकिस्तान में आप रह रहे, कारोबार का मतलब आपका जो सारी चीज़ें वो इंडिया से आती है, तो पाकिस्तान वाले लगे किस तरह आपको है? पैदाइश तो आपकी इधर ही हुई। मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो लड़का काम करता है वही मुस्लिम है, ठीक है। तो ये बात हमने कभी नहीं की कि यार आप मुस्लिम हो तो अलग खाओ। हम इवन कि अभी आप थोड़ी देर पहले आप आए, हम खाना खा रहे थे, हम साथ ही बैठ के खाते हैं, एक ही प्लेट में दोनों खाते हैं, ठीक है। वो बात नहीं है यार, जैसे कि आप जिनको जितनी रिस्पेक्ट दोगे, जितनी मोहब्बत दोगे, उतनी आपसे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। हर जगह में पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जो कहते हैं ना, जहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं थोड़े बहुत वो भी होता है, लेकिन एडजस्ट हो जाता है, बहुत सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है। तो मैसेज क्या देंगे इंडियंस को भी और पाकिस्तानियों को? पाकिस्तानियों को तो यही मैसेज है कि यार जैसे इमरान ने बहुत हमें हर तरफ से हमें मिल रही है ना, जैसे कि आप देखें कि अब एक गवर्नमेंट जॉब्स में होता है, लेकिन हमारा अलग कोटा होता है कि यार मतलब जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कोटा रखा हुआ है कि हर बंदे को दे रहे हैं कि यार आप आएँ हमारे पास काम करें, सर्विस मतलब प्रोवाइड, हर चीज़ की सर्विस प्रोवाइड है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी हमारे साथ बहुत साथ देती है, ठीक है। जैसे हमारा कोई फौजी वगैरह हो जाए, हमें एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हमारा प्रॉपर अटक में जगह बनी हुई है संस्कारा के लिए, हर जगह ना, मतलब वो बात नहीं है कि यार हमें आज तक ये नहीं महसूस हुआ कि यार हमसे अलग है कोई। हर बंदा हंस के बात करता है, हंस के मुस्कुरा के जवाब लेता है। अच्छा आपका शौक क्या है? एक्टिंग का बड़ा शौक है मैंने सुना है। हाँ जी, तो क्या मैसेज देंगे और क्या करना चाहेंगे? आपने अभी देखा भी है। जी बिल्कुल जी, अभी देखिए इंशाल्लाह। आपने जैसे कहा है कि यार अभी आप ड्रामों को कोई होगा तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे। तो ड्रामों में जाने का शौक है आपको? ड्रामा फिल्म जिधर तुसी ला दियो सर। सही है। मुझे ये बताइएगा रोल कौन सा पसंद होगा आपको ड्रामे में? चलो एक ड्रामे में ले लिया आपको, नीलम मुनीर है, हमजा अली अब्बासी साथ है, आप क्या? आप वो तो देखिए जैसे एक स्क्रिप्ट होती है ना, मेरे डायलॉग्स होंगे वो मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद सारा फील आता है कि यार किस तरह का कैसे। नहीं, एक बंदे का पर्सनली होता है ना कि मैंने ये रोल प्ले किया। अभी आप मेरा अकाउंट देख लो, उसमें सैड एक्टिंग भी पड़ी हुई है, सैड कंटेंट भी पड़ा हुआ है, ठीक है, फनी कंटेंट भी पड़ा है, और वो जो कहते हैं गैंगस्टर कंटेंट वो भी पड़ा हुआ है, लिपसिंग भी पड़ी हुई है, हर तरह का मतलब कंटेंट पड़ा है, ताकि यार किसको अगर हर अल्लाह के शुक्र से तकरीबन सारे ही कर लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन ये बता तो नहीं रहे क्योंकि इन्होंने राइटर्स और डायरेक्टर्स को नाराज नहीं करना, ये हर प्ले करने के लिए तैयार है। अगर कोई स्पेसिफिक ये कहेंगे तो फिर वो राइटर साहब या डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब कहेंगे कि नहीं इनको हमने सिर्फ उसी के लिए रखा हुआ है। इनके साथ हमने गपशप किए, इनके बातें आपने सुनी, बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा अच्छा लगा। पाकिस्तान में अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, सारा कारोबार जिधर ये सारी चीज़ें साड़ियाँ वगैरह इंडिया से मंगवाते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू सो मच। जैसे आप पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके, बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने खेबान।